बाप रे यार, भूत लग रहे हो, चुड़ैल लग रहे हो। सो गाइस, आज हमारा ये न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, ओके, यानी कि 1 जनवरी। और अभी अभी जस्ट मैं नहा करके आया हूँ, सो छत पे बाल वगैरह सुखा रहे एंड जिम वगैरह सारे जो क्लोज हैं। सो लगभग अराउंड 2 या 3 मंथ के बाद आज मैं होम वर्कआउट में करने जा रहा हूँ, वो भी आर्म्स वर्कआउट हम लोग जो करने वाले हैं। होम वर्कआउट तो मैंने किया है वैसे, हम लोग आर्म्स वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं अराउंड 3 मंथ्स के बाद, ओके। सो लेट्स गो, वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह हम लोगों ने ले आया है, ओके। सो लेट्स गो, बाल जैसे ही सूख जाता है उसके बाद फिर हम लोग अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। तब तक बाल सुखाने के लिए पोपी के साथ खेलते हैं, लेट्स गो। भाग पोपी, भाग 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 पोपी, भाग 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 लड्डू, भाग भाग लड्डू, भाग। ले लिया ले लिया ले लिया, ले लो ले लो ले लो ले लो पोपी, ले लो लड्डू, ले लो ले लो ले लो। ले आई ले आई मम्मा के पास ले। अरे बाप रे यार, भूत लग रहे हो। अरे यार, अरे यार गजब, चुड़ैल लग रहे हो। नहीं यार, बाल सुखा रहे हैं। तो भाई लोग, हमारा बाल ऑलमोस्ट जो सूख गया है, तो बाल लेते हैं और अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं पोपी के साथ। यही होता है ना कि कुछ भी चीज़ तुरंत में हो जाता है, चाहे कार्डियो करना हो वो भी हो जाता है, चाहे बाल सुखाना हो वो भी हो जाता है, ठीक है। सो अब अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं पूरा फोकस के साथ, पूरा अच्छे से, क्योंकि आज 1 तारीख है। और 1 तारीख को ऐसा कुछ नहीं है कि रेजोल्यूशन है कि ये करना है वो करना है, क्योंकि मैं हमेशा से ही फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ही मैं ध्यान देता हूँ, लेकिन ये है ना कि आज 1 तारीख है, तो इस न्यू ईयर का हमें जो है मतलब शुरुआत ही करना अपने वर्कआउट से, अपनी डाइट से, कि ताकि हमारा, ऐसा बोला जाता है कि जो भी आप 1 तारीख को आप करते हो, मतलब 1 जनवरी को करते हो, वैसा ही आपका जो एंडिंग तक चलता है और बहुत ही अच्छा जाता है, ओके। सो वर्कआउट मेरा लाइफ है, आप लोग जानते हो, सो इसलिए वर्कआउट करेंगे, इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे सब हम लोग जो ले आए, ओके। सो लेट्स गो, अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने अपना वार्म अप ले लिया। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं स्टैंडिंग स्कल क्रशर, ओके, क्लोज ग्रिप पकड़ के। सो वार्म अप हम लोगों ने ले लिया, सबसे पहले मार्बल से किया, उसके 7.5 kg, उसके बाद अभी 5 kg। और क्या पता क्यों होम वर्कआउट में वेट जो है ना थोड़ा ज़्यादा हैवी लगने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वैसे भी अब मैं होम वर्कआउट उतना मैं करता नहीं हूँ जब से मैंने जिम ज्वाइन किया, लेकिन तो भी हम लोग अपना 100% देंगे, मैक्सिमम रेपिटेशन निकालने का कोशिश करेंगे, ओके। लेट्स गो, इतना जबकि जिम में लाइंग मार लेते हैं, मतलब कि लेट के मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना हैवी है। पोपी घूम रही, हाँ हाँ हाँ, बस वर्कआउट हो जाता है, उसके बाद हम लोग फिर नीचे भी चलेंगे, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। इसको भी लेना है फ्रेम में, कुकी का ले, कुकी का। अरे तू तो जो दिख रहा है मेरा रेस्ट, 5-10 सेकंड होगा उठा के दे,
एक काम करो, ड्रॉप कर दो, नीचे का नहीं दिख रहा है ब्रो, सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है। आगे ठीक कर सकते हो, हम भी करेंगे। लग जाएगा हटिया। And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't you believe that? Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? इसलिए घर पे वर्कआउट नहीं करते, इसके वजह से इसीलिए नहीं करते। तुम बता देते हम घर पे वर्कआउट इसके कारण नहीं करते, और अभी मेरा वर्कआउट बिल्कुल ही खराब हो रहा है, इसलिए फेलियर तक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। और बस हम लोग दो ही एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, एक ट्राइसेप्स का कर लेंगे, एक बाइसेप्स का कर लीजिए, एक परेशान वायरल नहीं हो पाएंगे, मेरा शक्ल नहीं दिख रहा। बहुत रिकॉर्डिंग हो चुका है, डला जाएगा, टेंशन डला जाएगा एकदम। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दीदी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, सो इसके कारण बस हम लोग एक और हम लोग जो बाइसेप्स का हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरा फोकस के साथ, 10 फेलियर। ओके, लेट्स गो। आज मैं वर्कआउट में करता ही नहीं, लेकिन ये मेरे माइंड में कल से चल रहा था कि नहीं आज 1 तारीख को मुझे करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। ओके, सो गाइस, अब हम लोग का लास्ट सेट है, मतलब एक मैंने जो वार्म अप लगाया उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोग 5 मिनट का हम लोग जो टाइमर हम लोग स्टार्ट हम लोग करेंगे। ओके, और इसे अमित के हाथ में दे देंगे, और 5 मिनट के अंदर ही मुझे रेस्ट पॉज मुझे मारना है। ओके, बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि घर पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किस तरीके से करें, सो रेस्ट पॉज एक उसमें से तरीका है, जिसमें कि आप 5-10 सेकंड के लिए आप जो सेट मार के आप छोड़ोगे, आपको रेपिटेशन को आपको भूल जाना है, बस आपको ये करना है कि आपको मारना है एंड आपको रख देना है, एंड 5 सेकंड रुकना है, 10 सेकंड रुकना है मैक्सिमम, एंड देन अगेन आपको फिर से मारना है। ओके, सो लेट्स गो। मुझे एक गाइड करने के लिए, मतलब कि सामने टाइमिंग बताने के लिए अमित चाहिए। ओके, सो आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट बहुत बढ़िया।
में यही होता है ना कि आपका जान निकल जाता है, और प्लस इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम चलता है, क्योंकि आप हम लोग फॉर्म हम लोग नहीं देखते, सिर्फ अपने बसन को हमें जो पंप करना होता है, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉप करेंगे, टाइमिंग देखना कैमरा में दिख गया होगी, हल्का ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि रेपिटेशन, अब मुझे पता है कि 5-6 ही निकलेगा, तो थोड़ा ज्यादा करने की कोई दिक्कत नहीं है, बचने दो। हो गया, कितना मिनट और बचा है? You can amplify your favorite tracks by listening on connected speakers, game consoles, smart TVs, and other smart devices. Perfect for making music part of your everyday. To learn about more features, check out the Spotify Tips and Tricks podcast. देखो कितना सही है। Rest. 1 minute. 1 minute. 4 minutes. 4 minutes. Okay. फोकस लास्ट सेट है शायद इसके, है ना? चार मिनट 17 सेकेंड कंप्लीट हो गया, यानी कि ये लास्ट सेट है, तो इस पर 10 रेपिटेशन हम खुद से निकालेंगे, बाकी 5 तुम निकलवाना, ठीक है। आ जाओ, टाइमर का काम कंप्लीट। थैंक यू। चल 2 3 4 बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9 आ जा, चल 2 1 2 3 4 5 सो गाइज, हम लोग का यहाँ पे आर्म्स वर्कआउट कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज किया है, और पूरा फेलियर रेस्ट पॉज तक किया। मैं अभी कैमरा ऐसे पकड़ा हूँ ना, तो भी मेरा आर्म्स जो है पेन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो आर्म्स वर्कआउट टोटली कंप्लीट, अब चले थोड़ा रेस्ट करने। सो ऑलवे गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक और बार। ओके, सो जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।